म्यूजिक एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वी ह्यूमंस हम कई हद तक अपने इमोशंस को म्यूजिक से रिलेट करते हैं एंड प्राउडली हमारा इंडिया इस फील्ड में काफी आगे है। बॉलीवुड के गाने ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड ही सुनता है। कितना अच्छा लगता है ना किसी शांत से इवनिंग में बैठकर किसी की सुरीली आवाज सुनना। बट अनफॉर्चुनेटली विद द ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, पॉल्यूशन एंड बॉलीवुड नेपोटिज्म, वो गोल्डन एरा ऑफ म्यूजिक जा चुका है। एंड फ्रैंकली अभी के जमाने के म्यूजिक इंडस्ट्री में दारू, गाड़ी, लड़कियां और 2 रुपए के सस्ते रीमिक्स के अलावा और कुछ नहीं है। अरे यार, ये बी सीरीज वाले भी ना बोलने भी नहीं देते, पहले ही वीडियो उड़वा देते हैं। बॉलीवुड और एनिमे जैसे भारी टॉपिक्स में ढेर सारा सपोर्ट मिलने के बाद इट बिकम्स काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये म्यूजिक के नाम पे आजकल जो चुतियाप चल रहा है ना, इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस किया जाए। तो वेलकम बैक एवरीवन टू येट अनदर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज कि मैं इतने दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ। एक्चुअली मैं पोस्ट पूजा डिप्रेशन में था। दुर्गा पूजा इतना जल्दी खत्म हो गया। एनीवेज आई एम बैक नाउ। बाय द वे, ये वीडियो बनाने का ख्याल मुझे पूजा घूमने के ड्यूरिंग ही आया था, जब कुछ लोग मेरे गली में इस गाने पे नाच रहे थे। आई एम सॉरी, मैं गाना तो वीडियो में नहीं प्ले कर सकता क्योंकि 2 मिनट लगेगा कॉपीराइट क्लेम आने में, बट वो गाना कुछ ऐसा था। ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। एंड आई एम लाइक ओके, नाइस सॉन्ग, आजकल के गाने। आगे 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 सुनते हैं। 2 hours later। ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। ये लड़की पागल है। अरे भाई, तेरा गला लूप में अटक गया है क्या? है एक लाइन से आगे तो बढ़ जा। मैंने देन एंड देयर वो गाना यूट्यूब पे सर्च किया, ये लड़की पागल है। मुझे ये 3 मिनट का गाना मिला जिसमें से 2 मिनट सिर्फ यही है, ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। लाइक आई हैव नो आइडिया ये सिंगर कौन है, मैंने कभी सुना भी नहीं है, बट आई एम डैम श्योर इसके बहुत सारे फैंस ये वीडियो देख रहे होंगे। सी नो हेट, ओके, आई होप इसके दूसरे गाने ऐसे नहीं होंगे, बट वी ऑल हैव टू एडमिट दैट दिस सॉन्ग इज टोटली शिट। 180 million व्यूज है भाई इस गाने को, सीरियसली कहाँ जा रही है यार अपनी इंडस्ट्री। और वैसे भी मैं इस गाने से और ज्यादा चिढ़ा हुआ हूँ क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से कोई चोमा हमारे गली में यही गाना कंटिन्यूअसली बजाया जा रहा है। बंद करो यार प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ अब मैं। जोक्स अपार्ट गाइज, इस वीडियो में मुझे जोक्स नहीं मारना है, बल्कि मैं कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा जिसके वजह से अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री और अपने यंगस्टर्स का म्यूजिक टेस्ट दिन ब दिन डिग्रेड करते जा रही है। और ऐसे वॉनबी सिंगर्स स्लैश रैपर्स के कैंसरस गाने इतना ज्यादा फैल रहे हैं कि अच्छे गाने आजकल बहुत कम ही सुनने को मिलते हैं। सो हैव वी स्टार्ट विद आवर पॉइंट नंबर 1, कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए सॉन्ग। नाउ एवरी सॉन्ग हैज 2 मेन कॉम्पोनेंट्स, म्यूजिक एंड लिरिक्स। सबसे पहली बात तो म्यूजिक हम इंसानों ने इन्वेंट नहीं किया है, बट रैदर इट इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर। कोई भी चीज जब किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती है तो उससे म्यूजिक बनता है, और हर स्पीसीज अपने ही स्पीसीज के वाइब्रेशन से काइंड ऑफ कनेक्ट करती है। एग्जैक्टली इसी वजह से हम म्यूजिक से इतना ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं। लाइक अगर कोई सैड सॉन्ग बजे तो हम दुखी हो जाते हैं, और अगर कोई रोमांटिक या लाइट गाना बजे तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी के जमाने में ज्यादातर म्यूजिक हमारे स्पीसीज से नहीं बल्कि कंप्यूटर से बनाए जाते हैं। इवन जो सिंगर का वॉइस होता है उसको भी गंदी तरीके से मॉड्यूलेट किया जाता है, जहां पे वो असली आवाज की बात ही नहीं होती। व्हाट यू थिंक, ये जो सिंगर्स के तुम आवाज सुनते हो ये इनकी रियल आवाज होती है? कभी किसी लाइव कॉन्सर्ट में इनको गाते हुए सुन लोगे ना, सारा भरम टूट जाएगा। एंड नाउ द सेकंड कॉम्पोनेंट, लिरिक्स। उसकी तो बात ही मत करो, वो इस लेवल का डिग्रेड हो चुका है ना। एक जमाने में क्या लिरिक्स होते थे भाई, सीधा दिल को छू जाते थे। और अभी लड़की, दारू, गाड़ी, बाप की लैम्बोर्गिनी से तो आगे बढ़ना ही नहीं है भाई। लड़कियों पे थोड़ा कम पैसे, 2-3 लड़कियां कम ले लो अपने वीडियो में, एक अच्छा सा लिरिक राइटर हायर कर लो। हैं? लेकिन नहीं साले, वो इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है।
कोई कोई गाने स्लैश रैप के लिरिक्स सुनके तो मुझे ऐसा लगता है कि लिरिक राइटर मस्त एकदम स्टूडियो में आया गांजा वांजा फूक के एक साइड में मेरियम वेबस्टर इंग्लिश डिक्शनरी निकाली और दूसरे साइड वो क्लास 9-10 में था ना हिंदी पर्यायवाची शब्द हाँ उसकी किताब लेके बैठा और नशे में जो भी उसके दिमाग में रैंडम चीजें आती है ना उसी को लिख देता है और हाँ वो दो किताब से हर लाइन के लास्ट वर्ड्स को राइम करवा देता है बस। भाई यही तो क्रिएटिविटी है, लिरिक्स चाहे सेंस बनाए ना बनाए लास्ट के वर्ड्स बस राइम करने चाहिए। सुपर हिट सॉन्ग 180 मिलियन व्यूज तो भाई जेब में है। पॉइंट नंबर 2, स्टिग्मा ऑफ हिंदी गाने। अभी मेरी ऐसी बातें सुनने के बाद बहुत लोगों के दिमाग में ये आ गया होगा कि ये अंग्रेज साला इंग्लिश गाने सुनता है इसीलिए कूल बनने के लिए हमारे गानों को फालतू बोल रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं अभी खुद इंग्लिश गाने नहीं सुनता। हाँ एक फेज था ऐसा एंड आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द टीनेजर्स के साथ ये हुआ होगा। अभी जो कूल बनने का रेस है ना उसमें बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि हम इंग्लिश गाने सुनते हैं इसलिए हम बहुत कूल है और हमसे बड़े लोग पेरेंट्स वगैरह जो पुराने गानों को प्रिफर करते हैं वो बेवकूफ साले बोरिंग लोग। ट्रस्ट मी एक टाइम पे मैं भी ऐसा ही था लेकिन जैसे ही थोड़ी मैच्योरिटी आई एंड दिमाग में से अंग्रेज बनने का नाजायज ख्वाब उतरा तो आई रियलाइज्ड व्हाट शिट आई यूज्ड टू लिसन टू। अब यहाँ इंग्लिश गाने पसंद ना पसंद की बात नहीं है, इंग्लिश गाने भी अपने जगह पे अच्छे होते हैं बट ये जो बैठ गया है ना मन में कि भाई हम कूल है क्योंकि हम इंग्लिश गाने सुनते हैं ये चीज जितनी जल्दी निकाल दोगे उतना अच्छा है। इनको एक बार कभी किसी गाने के लिरिक्स पूछ लो ना वहीं के वहीं हालत खराब हो जाता है। ओ बॉय एड शीरन का नया गाना ए फायर लव गाना तो अच्छा है लेकिन वो बीच में क्या बोला थोड़ा सा ऊपर से गया ना। अरे मैं गा रहा हूं ना सुन ले सब समझ जाएगा। A fire love, A fire love, पॉइंट नंबर 3, इमिटेटिंग आर्टिस्ट्स। अब जैसा कि मैंने सेकंड पॉइंट में कंक्लूड किया कि अकॉर्डिंग टू यंगस्टर्स इंग्लिश सॉन्ग्स इज कूल तो इसीलिए हमारे यहाँ के सिंगर्स भी बाहर के स्टाइल को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि भाई अपना धंधा सबको चलाना है, अपना पेट सबको भरना है। लेकिन इमिटेट करने के चक्कर में इनका यही हाल होता है जैसे कि चिड़िया चलने गई हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गई। ये आइटम सॉन्ग में ये लड़की दारू इन सब का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? वेस्ट से। हेनरी के 15 साल पहले वही सब करता था, अभी तो यार उसने भी बंद कर दिया यार। प्लीज तुम लोग भी यार ये आइटम सॉन्ग के नाम पे वल्गैरिटी को प्रमोट करना बंद करो यार प्लीज। एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स क्रिस्टल क्लियर नाउ कि बॉलीवुड इज रनिंग आउट ऑफ आइडियाज इसलिए आजकल ये लोग पुराने 90s के सुपरहिट गानों को लेके तब तक रिमेक बनाते हैं डीजे यो ये सब जोड़ के जब तक ओरिजिनल पुराने गाने का एसेंस पूरी तरह बिगड़ ना गया हो। मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा तब गुस्सा आया था जब मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गाने को हनी सिंह ने इतनी बुरी तरह से बिगाड़ दिया था। हनी सिंह के फैंस डिसलाइक मार के जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। पॉइंट नंबर 4, पीयर प्रेशर। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में सारे टैलेंटलेस चूतिए भरे हैं, पुराने जमाने की तरह अभी भी एक से बढ़कर एक टैलेंटेड सिंगर्स है, म्यूजिक कंपोजर्स है और वो गाने बनाते भी हैं, बट वो उतना फेमस नहीं हो पाता इसीलिए कई सिंगर्स को मजबूरन ऐसे शिट गाने बनाने पड़ते हैं। इवन अभी भी बहुत सारे ऐसे चूतिए गानों के सिंगर्स के तुम प्रीवियस वर्क शुरुआती वाले गाने सुनोगे ना काफी अच्छे मिलेंगे लेकिन वो चले नहीं इसीलिए मजबूरन इस रास्ते पे आना पड़ा। अब ऐसे शिट गाने ना ऐसे नहीं चलते, इनपे काफी सारा पैसा खर्च किया जाता है, मीडिया हाउस कंपनीज, एडवर्टाइजमेंट्स, पीआर एजेंसीज एंड अभी एक नई चीज आ गई है मार्केट में टिकटॉक। यहाँ पे गाने प्रमोट होते हैं आजकल। अब इस सिनेरियो को किसी नए आर्टिस्ट या सिंगर के नजरिए से समझते हैं
उसके पास इतना पैसा नहीं है अपने गाने को प्रमोट करने के लिए, तब वो तो उसका गाना नहीं चलेगा तो भूखा मर जाएगा भाई। एग्जैक्टली उसी वक्त उसके दिमाग में एक गंदा सा पीयर प्रेशर बनता है कि सब यही बना रहे हैं तो मुझे भी अगर सर्वाइव करना है तो मुझे भी यही बनाना होगा। एंड दैट्स हाउ ब्रूटल दिस इंडस्ट्री इज। पॉइंट नंबर 5, एन एरा ऑफ रैपिंग। आजकल रैप गाने कुछ ज्यादा ही नहीं चल रहे मार्केट में। जिसको देखो वो रैप बना रहा है। अब देखो रैप सॉन्ग से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रैप अपने आप में ही एक अलग जॉनरा है, लेकिन इस बात से सभी अग्री करेंगे कि रैप सबके बस की बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स भी शामिल हैं, जैसे कि ये रहे कुछ नमूने। देखो मैं इनको बिल्कुल भी डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं खुद इनका कंटेंट इंजॉय करता हूं, लेकिन यार सहन नहीं होता ना। अब देखो तुम लोग मुझे एनिमेशंस और कॉमन टॉपिक्स के वीडियोस के लिए जानते हो, अब कल को मैं अगर मेकअप ट्यूटोरियल्स अपलोड करना स्टार्ट कर दूं तो अच्छा नहीं लगेगा ना यार। जो तुम्हारा फील्ड तुम्हारा जॉनरा नहीं है उसमें तुमको क्यों घुसना है? ऑडियंस तुम्हें बहुत पसंद करती है, वो कभी तुम्हें खराब नहीं बोल सकती। तुम्हारे फैनशिप में अंधा होके वो शिट गाने को भी इंजॉय करेंगे और चार लोगों को सुनाएंगे। अभी बहुत लोग मेरे इस पॉइंट को समझ नहीं पाए होंगे। कोई बात नहीं यार, डिसलाइक मार दो, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ ओपिनियन यही रहेगा, आजकल के ज्यादातर रैप सॉन्ग्स बनते हैं इंग्लिश डिक्शनरी और हिंदी पर्यायवाची शब्द के मिक्सचर से, जहां हर लाइन के लास्ट वर्ड को छोड़कर कुछ भी राइम या सेंस नहीं बनाते। पीस। ऑलराइट गाइस, कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने आज। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, एंड मेरा इस वीडियो से किसी को भी डिफेम करने का या किसी का भी इंसल्ट करने का इरादा नहीं है। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि यार जो ओरिजिनल अच्छे सिंगर्स हैं उन्हें चांस दो, और जो भी ऐसे वॉनबी सिंगर्स हैं जो सीधा सीधा कॉपी करने को इंस्पिरेशन बोलते हैं उन्हें निकालो। सो एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।